स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। ओके, तो कैसे हो बच्चों आप लोग सब? होपफुली सब अच्छे होंगे और अपना खास ख्याल रख रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने वीडियो नंबर 7 पे आकर पहुंच गए हैं। और आज बच्चों हम लोग फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ डिस्कशन किए हैं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें और भी बहुत सारा चीज पढ़ना है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके, तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। ओके, जिसे लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, फैराडे ने कहा था लाइंस ऑफ फोर्स, है ना, जिसे लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये है क्या और इसका डायरेक्शन किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बच्चों? ये एक इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होते हैं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ओके, अगर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों, तो हम क्या करते थे, जैसे सपोज हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां पर हम एक चार्ज रख देते थे Q नॉट, और फिर हम देखते थे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता था, इन दोनों के लाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, इन दोनों को जॉइन करते थे और जिस डायरेक्ट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता था ना। Q नॉट बच्चों पॉजिटिव होता है, Q नॉट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, दैट इज द टेस्ट चार्ज, दैट इज द टेस्ट चार्ज। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा प्लस क्यू का, तो यहां पर हम एक क्यू नॉट रख देंगे और हम देखेंगे कि वो इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। ओके, उसी तरीके से अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो यहां पर क्यू नॉट रख देंगे, हम देखेंगे ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अगर हम उसी तरीके से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, हम यहां पर क्यू नॉट को रख देंगे, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ मिल जाएगा। ओके, तो ये चार्ज के चारों तरफ हम क्यू नॉट को कहीं पर भी रख सकते हैं और उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है वो हम लोग पता लगा सकते हैं। ओके, ओके, और इन्हीं लाइंस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, अगर सपोज कर लो इसके सेंटर से हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से एक लाइन ज्वाइन कर दिए, यहां पे सपोज कर लो एक लाइन इस तरीके से ज्वाइन कर दिए, यहां इसके साथ इस लाइन को ज्वाइन कर दिए, यहां इसके साथ सपोज कर लो इस लाइन को ज्वाइन कर दिए, तो हमें ऐसा दिख रहा है कि इस प्लस क्यू चार्ज से कुछ लाइंस निकल रहे हैं, ठीक है, और क्यू नॉट को इस लाइन पे तुम कहीं पर भी रख दोगे, यहां पर रख दोगे तो भी वो इस तरफ रिपेल होगा, इस लाइन में क्यू नॉट को हम यहां पर रख देंगे तो वो इस तरफ रिपेल होगा, ठीक है, बट जो रिपल्सन होगा वो इस पॉइंट पर ज्यादा होगा बिकॉज चार्ज के ज्यादा करीब हो, है ना, ठीक है। फोर्स कैसे है, फोर्स इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, तो इस पॉइंट पर फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो ज्यादा होता है, है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, ज्यादा होगा बिकॉज डिस्टेंस कम है, है ना, इस चार्ज से इस पॉइंट पर डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट जाएगा, है ना। तो ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बच्चों, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, दीज आर द इमेजिनरी कर्व्स भी बोल सकते हो, इमेजिनरी लाइंस सच दैट ए पॉजिटिव, ए फ्री पॉजिटिव चार्ज, सच दैट ए फ्री टू मूव, और फ्री पॉजिटिव चार्ज, फ्री मतलब वो मूव कर सकता है, ठीक है, सच दैट ए फ्री पॉजिटिव चार्ज, ओके, वुड टेंड टू मूव अलोंग दिस लाइन, इफ दे आर अलाउड टू डू सो। ओके, तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसे इमेजिनरी लाइंस के अगर
उन लाइंस पर तुम हम लोग अगर एक फ्री पॉजिटिव चार्ज रखते तो वो फ्री पॉजिटिव चार्ज जो है उन्हीं लाइंस के अलोंग मूव करता, उन्हीं लाइंस के अलोंग मूव करता। जैसे हम लोग बोले कि सपोज कर लो यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, हम बोल रहे कि एक फील्ड लाइन ये है, एक फील्ड लाइन इधर ऐसा है। तो ये फील्ड लाइंस का मतलब क्या है, मतलब इस लाइन में अगर हम लोग कहीं पर भी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो इस ही डायरेक्शन में मूव करेगा, इस लाइन के अलोंग मूव करेगा, इस लाइन के अलोंग मूव करेगा, ठीक है। तो ये होता है बच्चों क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस मतलब ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, हालांकि ऐसा कोई चार्ज के चारों तरफ लाइन वाइन होता नहीं है, है ना। ओके, तो आगे चलकर जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मतलब पिक्चरिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, पिक्टोरियली। ओके, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बोल दो, ठीक है, ई वेक्टर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो एनसीईआरटी में हम लोगों को कहता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया गया बच्चों को कैसे किया गया, ना सपोज कर लो एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेंगे, ठीक है, तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज को रख दो तो उस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ओके, अच्छा, इस पॉइंट पर अगर हम निकालते हैं बच्चों यहां पर स्ट्रेंथ घटेगा तो एरो का साइज छोटा कर देंगे हम, एरो का साइज छोटा कर देंगे। इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो और भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट जाएगा तो एरो को और भी ज्यादा छोटा कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये एरो बाहर की तरफ जा रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरोस। क्यों? बिकॉज आप यहां पर एक टेस्ट चार्ज को रखो ना, ये प्लस क्यू है, टेस्ट चार्ज यहां पर क्यू नॉट रख दो तो इसी डायरेक्शन में तो वो मूव करेगा, है ना। तो हम लोग तो डेफिनेशन में वही लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस है, ये वो इमेजिनरी लाइंस है कि अगर इन इमेजिनरी लाइंस पर तुम किसी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख देते हो तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग और भी इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इधर भी इसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिगनिंग में इस तरीके से किया जा रहा था बच्चों, बाद में फिर चेंज किया गया है। यहां पर देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, अलोंग द एरोस, एरो का डायरेक्शन जिधर है देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ, समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा हम डायग्राम बनाते हैं, ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे पता चल सकता है, ना एरो के डायरेक्शन से, ठीक है, डायरेक्शन अलोंग द एरो, एरो जिस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा है, कहां पर छोटा है। देखो पहला जो एरो बनाए हैं बच्चों हम लोग बड़ा है, उसके बाद जो एरो है वो छोटा है, उसके बाद जो एरो है वो उससे भी छोटा है। वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे, हालांकि इसका इतना एप्लीकेशन हम लोग नहीं देखते हैं। अगर सपोज कर लो हम फोर्स, फोर्स एक वेक्टर है, अगर हम 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए इतना बड़ा एक एरो बनाते हैं तो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका हाफ साइज का एरो बनाते हैं वेक्टर में, है ना। उसी तरीके से यहां देखो ये मतलब एरो जो है वो बड़ा साइज का, ये एरो बड़ा है, ये एरो बड़ा है, ये एरो बड़ा है, उसके बाद वाले जो एरोज है वो छोटे होते जा रहे हैं। एरोज छोटे क्यों होते जा रहे बच्चों, बिकॉज स्ट्रेंथ घट रहा है ना, मैग्नीट्यूड घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो, है ना, मैग्नीट्यूड यानी कि उसका वैल्यू। तो वो कैसे पता लगेगा इस रिप्रेजेंटेशन में, ना लेंथ ऑफ एरोस, लेंथ ऑफ एरोस, ठीक है, एरोस के लेंथ आप देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि कहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहां पर स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए अगर आप निकालना चाहो, ठीक है, तो बस क्या हो जाएगा ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा बच्चों, बाकी सब चीज सेम रहेगा, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लो हमसे बोला गया कि एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, एरो इस तरफ हो जाएंगे, है ना, एरो इस तरफ हो जाएंगे, बाकी सब चीज सेम रहेगा। ओके,
किस केस में होगा? नेगेटिव के केस में। किस केस में? माइनस क्यू अगर चार्ज आप, बहुत सिंपल है। अगर हम यहाँ पर माइनस क्यू लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो किधर जाएगा? अट्रैक्ट होगा ना, ठीक है। इसीलिए एरो का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। इसीलिए एरो का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। समझ में आ रहा है? ओके। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रेट हो, है ना। तो जब स्ट्रेट नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे, वो भी हम लोग पढ़ना है हमें, उस चीज के बारे में भी। ओके, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अभी जो हम लोग जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज कर लो प्लस क्यू है, ठीक है, तो हम लोग इतने बहुत सारे एरोज नहीं बनाते, हम लोग क्या करते हैं ना, सिंगल लाइन एरोज ही बनाते हैं। कैसे एरोज बनाते हैं बच्चों? सिंगल लाइन एरोज ही बनाते हैं, ठीक है, सिंगल लाइन एरोज। ये प्लस क्यू के लिए इस तरीके से आप बना सकते हो, माइनस क्यू के लिए अगर बनाना चाहो तो डायरेक्शन को बस अपोजिट कर देना है। क्या कर देना है? डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है, ठीक है। ये माइनस क्यू इस तरीके से बना सकते हो। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होता है। कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होता है। एंड नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है? रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो ये होता है। अब सपोज कर लो आप बोलोगे सर इससे पहले वाला जो डायग्राम था उसमें तो बड़ा एरो छोटा एरो इस तरीके से हमें पता चल जाता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बड़ा एरो है पास में, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, छोटा एरो है मतलब स्ट्रेंथ घटा, और छोटा एरो हो गया तो स्ट्रेंथ घट गया। लेकिन यहां स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग? यहां तो हम लोगों को डायरेक्शन पता चल जा रहा है ना, डायरेक्शन लाइंस का एरो जिधर पॉइंट कर रहा है उधर है डायरेक्शन, स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? तो स्ट्रेंथ निकालने का क्या तरीका है बच्चों ना, हमें चेक करना पड़ेगा के सपोज कर लो इस पॉइंट पर स्ट्रेंथ कितना है। तो यहां से आप एक काम करो, एक इस तरीके का सर्कल बना लो, ठीक है। ओके, देखो इस सर्कल के अंदर कितने लाइंस ऑफ फोर्स हैं? एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार। ओके, समझ में आया? ओके, अब इतना ही बड़ा अगर एक सर्कल सपोज हम यहां पर बनाते हैं बच्चों, ठीक है, या यहां पर बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं, उतना ही बड़ा सर्कल देखो इसमें कितने लाइंस ऑफ फोर्स आ रहे हैं, बल्कि उससे बड़ा सर्कल बन गया लेकिन एक ही लाइंस ऑफ फोर्स है। तो चार्ज के जितने पास होंगे हम डेंसिटी देखो, लाइंस ऑफ फोर्स कितने बड़े एरिया में कितने हैं, चार लाइंस ऑफ फोर्स, तो लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम और लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा है यहां पर पास में, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाओगे तो क्या होगा, लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम घटेगा, क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है या यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है या यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है या इस पॉइंट पर ज्यादा है या इस पॉइंट पर ज्यादा है, कैसे जानेंगे ना, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जानेंगे, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन में जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे पता चलेगा ना, बाय द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, by the density of electric field lines, जहां density ज्यादा है। देखो पास में देखो इस पॉइंट में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां देखो एक लाइन्स ऑफ फोर्स और दूसरे लाइन्स ऑफ फोर्स में डिस्टेंस कम है, यहां पर अगर हम देखेंगे एक लाइन ऑफ फोर्स और दूसरे लाइन ऑफ फोर्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि वो बिखर रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के पास पास जहां पर होंगे वहां पर डेंसिटी ज्यादा है, एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो वहां पर डेंसिटी कम है। डेंसिटी जैसे सपोज कर लो एक रूम में चार जन बैठे हैं, ठीक है, उसी के साइड में उतना ही बड़ा एक रूम है वहां 40 जन बैठे हैं। अब हम तुमसे जाकर पूछेंगे कि बताओ कि कौन से रूम में ह्यूमन डेंसिटी ज्यादा है, तुम बोलोगे सर जहां पर 40 जन बैठे हैं वहां पर डेंसिटी ज्यादा है, जिस रूम में 4 जन बैठे हैं वहां पर डेंसिटी कम है, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन इन द फर्स्ट रूम इज 4 एंड द नंबर ऑफ पर्सन इन द सेकंड रूम ऑफ सेम साइज इज 40, है ना। तो जब 40 जन बैठेंगे तो पास पास में बैठेंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगा, जब 4 जन बैठेंगे तो दूर दूर बैठ सकते हैं, है ना, ऑप्शन है उनके पास, तो वहां पर डेंसिटी कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा पास होगा लाइंस ऑफ फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं मोर क्लोजर द लाइंस ऑफ फोर्स आर, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। जितना ज्यादा पास होंगे लाइंस, ठीक है, उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, ओके। तो आज हमारा पूरा डिस्कशन इसी के ऊपर बेस्ड होकर रहेगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक बेसिक सा बात हो गया,
पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज का किधर होता है, रेडियली इनवर्ड, है ना। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं लाइंस ऑफ फोर्स का, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, है ना। पहला पॉइंट क्या है, वो हमेशा ओरिजिनेट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होते हैं नेगेटिव चार्ज से। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, है ना। मतलब जैसे सपोज कर लो, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है सपोज माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों यहां से निकलेंगे और माइनस क्यू में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू से निकलेंगे, माइनस क्यू की तरफ जाएंगे, टर्मिनेट वहां होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां से निकलते हैं, यहां घुस जाते हैं, यहां से निकलते हैं, यहां घुस जाते हैं, ठीक है। तो निकलते कहां से, प्लस क्यू से, और जाते किधर है, माइनस क्यू की तरफ, टर्मिनेट यानी कि एंड कहां होते हैं, माइनस, नेगेटिव चार्ज में वो लोग एंड होते हैं, ठीक है। इसी के लिए अगर सिर्फ प्लस क्यू का हमें बनाने दिया जाता है तो हम लोग सिर्फ बाहर की तरफ ही एरो शो करते हैं, बिकॉज कोई भी एरो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ नहीं आ सकते, इसमें एंड नहीं हो सकती, यहां से निकलते हैं और माइनस क्यू के लिए उसकी तरफ आते हैं, दैट इज इनवर्ड इट, ओके, इनटू इट, समझ में आ गया ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ओके, क्लोज्ड लूप्स ये नहीं बनाते, ठीक है। यानी कि सपोज कर लो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक है, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएंगे बच्चों, ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्या ये लूप बना रहे हैं, नहीं। लूप का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कर लो अगर ऐसा होता कि पॉजिटिव से निकले नेगेटिव में गए, फिर नेगेटिव से निकलते पॉजिटिव में चले जाते, तो हम बोलते कि वो एक लूप बनाती है, मतलब जहां से निकले वापस घूमकर वहीं आ जाना, दैट इज अ लूप, दैट इज अ लूप। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पॉजिटिव से निकल रहे एंड यहीं पर हो जा रहा है ना, पॉजिटिव से निकल रहे एंड यहां पर हो रहा है, क्या ऐसे घूमकर आ रहे हैं, नो, ठीक है। तो वो क्लोज्ड लूप्स फॉर्मेशन नहीं करते, मैग्नेट में होता था बच्चों, है ना। आप लोग अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आपको याद होगा जैसे ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता था, साउथ पोल की तरफ जाता था, और अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये क्लोज्ड लूप बनता था, कैसा बनता था, क्लोज्ड लूप बनता था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके के नहीं होते, ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे ऐसे ही हम आपको बोलेंगे कि सपोज कर लो ये कुछ फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ओके, और इधर हम बोलेंगे ये कुछ फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये फिगर वन, ये सपोज कर लो फिगर टू। अब हम आपसे पूछे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा है, यहां देखो एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में गैप ज्यादा है, है ना, एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में गैप ज्यादा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा। यहां पर देखो एक लाइन और दूसरे लाइन को बहुत पास पास में रखा गया है, है ना, दैट मींस यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। हम पहले बोले जितना पास होगा उतना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, है ना, फील्ड लाइंस जितने पास होंगे स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो सीधा सीधा हम लोग एक एग्जांपल ले लिए थे, अब थोड़ा देखो इस तरीके से भी हम लोग ले सकते हैं। सपोज कर लो एक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, दूसरा फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये फील्ड लाइंस है, ओके। अब सपोज यहां पर हम बोलेंगे दिस इज पॉइंट वन, और ये जो स्पेस है सपोज कर लो उसे हम बोलेंगे पॉइंट टू, और यहां पर जो स्पेस है बच्चों उसे सपोज हम बोलेंगे पॉइंट थ्री।
अब क्वेश्चन में हम तुमसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट थ्री, सबसे बड़ा कौन है? देखो सबसे पास पास में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहां पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन का जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वन इज ग्रेटर, ओके, ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल दीज थ्री। उसके बाद देखो इस पोर्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काफी दूरी पर है, तो ये सबसे छोटा होगा और उससे थोड़ा ज्यादा होगा ये। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वन का वैल्यू होगा बिकॉज यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स बहुत ही पास पास में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थोड़े दूर दूर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड टू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री एंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड टू, ओके, सो दिस विल बी द आंसर, ओके, समझ में आ गया? द रिलेटिव क्लोजनेस, जितना ज्यादा पास होंगे ठीक है उसी हिसाब से हम लोग उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना? ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट इससे काफी मिलता जुलता है, दैट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लोगे बच्चों, है ना, ठीक है, पॉज करके वीडियो को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कर लो एक चार्ज दिया गया है क्यू वन, उसमें से सपोज कर लो इस तरीके से चार मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं, ठीक है, बार बार मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोल दे रहा हूं, तो उससे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, है ना, अगर कहीं गलती से बोल करके करेक्शन हम नहीं किए हो तो कंफ्यूज ना हो, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं, ओके, सपोज कर लो और एक चार्ज है क्यू टू, सपोज उसमें से एट लाइन्स ऑफ फोर्स निकले, ठीक है, अब हमें वो बोला फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेस क्यू वन इज टू क्यू टू, हमें कुछ वैल्यू नहीं दिया है बच्चों, हमें एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया है, एक डायग्राम में हमें दिख रहा है कि क्यू वन से चार लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे हैं और क्यू टू से एट लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, ठीक है, अब इस कैरेक्टरिस्टिक को देखो, ये क्या कहता है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कह रहा है जितना ज्यादा फील्ड लाइन्स होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, और जिसमें कम फील्ड लाइन्स होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो उतना ही कम होगा, ठीक है, अच्छा, तो हम लोग Q1 is to Q2 कैसे निकाल सकते हैं, Q1 is to Q2 का जो रेशियो है, इसमें से कितने फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, चार, उसमें से कितने निकल रहे हैं, आठ, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1 is to 2, है ना, यानी कि अगर Q1 का वैल्यू 2 है तो Q2 का वैल्यू 4 होगा, अगर Q1 का वैल्यू 4 है तो Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डबल होगा, जस्ट Q2 जो है वो Q1 का डबल होगा, तो हम लोग इस डायग्राम से पता लगाए कि Q2 is 2 times of Q1, Q2 is 2 times of Q1, ठीक है, कैसे पता चल रहा है, हम लोग काउंट कर रहे हैं कितने फील्ड लाइन्स है, इसके पास चार है, इसके पास आठ है, इसके पास ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसके पास कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ चार है, यहाँ आठ, यहाँ जस्ट डबल है, मतलब यहाँ पर चार्ज भी डबल होगा, इसके कंपेरिजन में चार्ज डबल होगा, इसी के हम लोग लिखे क्यू टू इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ क्यू वन, ठीक है, और रेशियो कितना है, 1/2, ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया, लिख लोगे अब, ओके, उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या है, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ओके, मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लो दो चार्जेस हैं, सपोज कर लो ये प्लस क्यू और सपोज कर लो यहां पर एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है, अब आपको डायग्राम दिया, देखो किस तरीके से दिया है, सपोज इस तरीके से डायग्राम दिया है और आपको बोल रहा है कि क्या ये डायग्राम सही है, ठीक है,
तो पहले तो देखो ये चार्ज का सेंटर, ये चार्ज का सेंटर, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन ये हो गया है ना। अब इस लाइन के सिमेट्री, सिमेट्री यानी कि इसके ऊपर देखो और इसके नीचे देखो, इसके ऊपर कितने लाइंस ऑफ फोर्स है बच्चों, दो, नीचे कितना है एक, नहीं हो सकता ऐसा है ना। द हम लोग यहां पर क्या लिखे, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ऊपर जितने लाइंस ऑफ फोर्स होंगे नीचे भी उतने ही लाइंस ऑफ फोर्स होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो डायग्राम सही है, और अगर ऊपर दो नीचे एक तो डायग्राम गलत, अगर नीचे दो ऊपर एक तो भी डायग्राम गलत, अगर ऊपर तुम दो बनाते हो तो नीचे में भी दो लाइंस ऑफ फोर्स बनाने पड़ेंगे। और सिमेट्रिक मतलब ज्योमेट्री वाला सिमेट्री भी आपको फॉलो करना है। जैसे सपोज कर लो एक लाइंस ऑफ फोर्स आप ऐसे बनाए तो दूसरा लाइंस ऑफ फोर्स भी ऐसे बनाओगे है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला लाइंस ऑफ फोर्स जो है इस तरीके से बनाया और दूसरा लाइन ऑफ फोर्स आप ऐसे बना दिए, ये भी गलत है, सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। उसके बाद सिक्स पॉइंट क्या है, दे आर ऑलवेज नॉर्मल, दे आर ऑलवेज नॉर्मल, नॉर्मल मतलब बच्चों परपेंडिकुलर, दे आर ऑलवेज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, टू द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। सपोज कर लो आपको एक स्पीयर दे दिया गया है ना, सपोज कर लो आपको एक स्पीयर दे दिया गया, बोला गया कि इसके ऊपर चार्ज स्प्रेड होकर के इस तरीके से है ना, इसके ऊपर चार्ज स्प्रेड होकर के है इस तरीके से, और बोला गया कि इसका लाइंस ऑफ फोर्स किधर होगा, ये एक स्पीयर है बच्चों, छोटा सा स्पीयर, उसके ऊपर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें बोला जाएगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से क्या ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, किधर होगा ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एंगल 90 डिग्री होगा इस पॉइंट पर, ये हो गया सरफेस स्पीयर का, उससे 90 डिग्री बनाएगा, उससे 90 डिग्री बनाएगा एंगल, ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट, ओके। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट क्या है बच्चों, दैट इज द टेंजेंट ड्रॉन, द टेंजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए फील्ड लाइन, ड्रॉन ऑन ए फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, ओके। जैसे सपोज कर लो ये दिख रहा है, चेक कर लेते हैं, चलिए बढ़िया दिख रहा है। सपोज कर लो कि यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, यहां पर चार्ज है माइनस क्यू, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से हम लोग शो किए, हमें पूछा गया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस पॉइंट पर, ये तो पूरा लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां से इधर जा रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट, क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब जानते हो, एक ऐसा लाइन जो सिर्फ इस पॉइंट पर टच करके जा रहा हो, ठीक है, तो ये बन गया टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर सपोज ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर डायरेक्शन किधर है, अगर सपोज हमें बोला जाएगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा है ना, तो यहां पर एक टेंजेंट हम बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, समझ में आ रहा है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, टेंजेंट, ठीक है। तो कर्व में टेंजेंट बनाना आप लोग पढ़े होंगे, टेंजेंट का मतलब भी आप लोगों को पता होगा, किसी भी कर्व लाइन पर आप लोग टेंजेंट बना सकते हो, जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इतना पॉइंट नोट कर लीजिए, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीबीएसई में पूछता है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो आंसर क्या होगा ना, बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट, ओके, एट दैट पॉइंट, ओके। इसके बाद एट पॉइंट क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से टकराएंगे नहीं बच्चों, क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लो एक फील्ड लाइन इधर गया, दूसरा फील्ड लाइन ऐसे नहीं जा सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसा क्यों, तो इसका रीजन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा क्यों, ठीक है।
तो एक सेकेंड के लिए मान लो कि दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गए, एक फील्ड लाइन इधर गया, दूसरा फील्ड लाइन सपोज इधर गया, इस पॉइंट पर वो लोग इंटरसेक्ट किए, ठीक है, इस पॉइंट पर वो लोग इंटरसेक्ट किए। अच्छा, अब अगर हम तुमसे पूछेंगे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बताओ, तो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है उस पॉइंट पर कर्व के अबाउट टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो एक कर्व तो ये है बच्चों, इसके अबाउट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट इधर आएगा, है ना, टेंजेंट इस तरफ आएगा। अच्छा, दूसरा कर्व देखो ये वाला, इस पॉइंट पर अगर इस पॉइंट पे अगर इस कर्व के अलोंग हम लोग टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट इधर आएगा। तो क्या एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज व्हाई दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे तुम लोग? आंसर लिखोगे रीजन इसका क्यों नहीं कर सकते। रीजन क्या होगा ना, इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two directions of electric field which is not possible। तो हम लोग स्टार्ट किए ये मान करके कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पर दो डायरेक्शंस हो जाएंगे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, ये क्या रीजन मिटा दे रहे आप लोग लिख लोगे। ओके ठीक, उसके बाद आते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 9 पर। ठीक है, ओके ये क्या कहता है ना, पैरेलल इक्वी डिस्टेंट एंड स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Represent uniform electric field. Okay. जैसे suppose कर लो, आप question में देखते हो कि electric field lines इस तरीके के बने हुए हैं। ठीक है? Electric field lines इस तरीके से represent किए गए। ये line suppose 1, 2, 3, 4. ठीक है? 1 is parallel to 2, 2 is parallel to 3, and 3 is parallel to 4. ठीक है? सारे लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इज इक्वल टू स्टेटमेंट लिख देते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3 and is equal to distance between 3 and 4। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में जितना डिस्टेंस है, 2 और 3 के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस है, 3 और 4 जो लाइन्स ऑफ फोर्स है उनके बीच में भी उतना ही डिस्टेंस है। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर तो इसके और इसके बीच में भी 1 सेंटीमीटर, इसके और इसके बीच में भी 1 सेंटीमीटर। अगर ऐसा लाइन्स ऑफ फोर्स होगा और स्ट्रेट होगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जितना आएगा इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही आएगा, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाए जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कॉन्स्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर जगह कॉन्स्टेंट रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म बनाने बोला जाए इस तरीके से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाए गए हैं ठीक है, देखो यहां पर देखो इनके बीच में गैप ज्यादा है, यहां पर गैप कम गया है ना, यहां पर गैप कम गया, यहां डिस्टेंस ज्यादा है, यहां डिस्टेंस कम है, तो ये क्या इक्वी डिस्टेंट है? नहीं। तो
तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, समझ में आ गया। तो आज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से रिलेटेड जो डिस्कशन था बच्चों, हम लोग यहीं पर रखते हैं इसे। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन वो डायग्राम बेस्ड है ना, उसमें वो पूछा है कि कौन सा डायग्राम सही है कौन सा डायग्राम गलत है, वो आपको बताना है, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेंगे तो आप उस चीज को आसानी के साथ कर पाओगे, है ना। हम एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग खुद सोचकर बताओगे कि वो डायग्राम सही है या गलत है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरीके से एक डायग्राम आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन में देखोगे। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल कर आ रहे हैं, यहां एंटर कर रहे हैं, ठीक है, फिर यहां से निकल कर जा रहे हैं, यहां एंटर कर रहे हैं, ठीक है, फिर यहां से निकल कर जा रहे हैं, यहां एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब पूछा है कि बताओ क्या ये डायग्राम सही है, तो पहला पॉइंट याद करो बच्चों, अगर आपको पहला पॉइंट याद होगा तो इसका आंसर उसी में छुपा है। पहला पॉइंट क्या था ना, फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हमेशा कहां से निकलते हैं, पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव में एंड होते हैं। तो यहां तक तो ठीक है, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में घुस गया। अब यहां देखो नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव में जा रहा है जो कि करेक्ट नहीं है, तो ये डायग्राम गलत है ना, ये डायग्राम ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, ठीक है। उसी तरीके से एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन उसी बिट में शायद, इस तरीके का एक मेटल बॉडी दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ऐसे ऐसे करके निकल कर जा रहे हैं, है ना? तो ये डायग्राम सही है या गलत है वो पूछ रहा है, है ना? वो तो एक्चुअली पूछा है कि कौन सा डायग्राम सही है, उसमें बहुत सारे डायग्राम्स दिए गए। तो ये डायग्राम, ये बोला कि ये एक मेटल है ना, कंडक्टर, मेटल मतलब कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, आपको अगर याद होगा तो हम लोग ये पढ़े थे कि कंडक्टर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना, कंडक्टर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, कंडक्टर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। क्या ये एंगल 90 डिग्री है बच्चों, इज दिस एंगल 90 डिग्री? नो, सो दिस डायग्राम इज आल्सो रॉन्ग। तो ओवरऑल बात यही है कि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेंगे तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से उसे आप लोग कर सकेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी, छोटे मोटे क्वेश्चंस हमने इस टॉपिक के अंदर कवर किए हैं, तो उस चीज को भी आप लोग देखें। बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, अब तक जितना हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका डेरिवेशन देख चुके हैं, और आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े, तो अब तक जितना भी पढ़ाई हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में, वो सब आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इत्मीनान से करिए, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आएंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।